NTAUGCNET यानी निमेजिनेट डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल निमेजिनेट प्रो पे। दोस्तों रिसर्च एप्टीट्यूड क्लास 5, इस क्लास में हम जानेंगे शोध परिकल्पना क्या है, यानी कि हाइपोथीसिस क्या है रिसर्च में और ये कितने टाइप की होती है। हाइपोथीसिस से रिलेटेड दोस्तों हमारे काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और इसमें एक और टॉपिक है हमारा एरर इन रिसर्च, ये भी हमारा हाइपोथीसिस से रिलेटेड है। तो ये दोनों चीज़ें आज हम करने वाले हैं, जैसे टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, ये आपने देखे होंगे, अल्फा एरर, बीटा एरर, तो ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आज की जो क्लास है काफ़ी धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि पहले हम थ्योरी करेंगे और उसके बाद में 2012 से लेकर अभी तक जो भी क्वेश्चन हमारे आए हैं उन सभी क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों NTAUGCNET एग्जाम देखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल पेड कोर्स लॉन्च किया है, कंप्लीट स्टडी कोर्स फॉर पेपर फर्स्ट। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है, नंबर 1 पे दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स मिलेंगे हिंदी इंग्लिश में, नंबर 2 पे दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट की एड फ्री वीडियोज मिलेंगी, नंबर 3 पे दोस्तों आपको सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में मिलेंगे, नंबर 4 पे दोस्तों आपको 2012 से लेकर 2023 तक जो भी हमारे क्वेश्चन आए हैं वो यूनिट वाइज किए हुए मिलेंगे। जैसे कि हमारे रिसर्च के क्वेश्चन आज तक जो आ चुके वो अलग है, ICT के अलग है, कम्युनिकेशन के अलग है, सभी यूनिट के क्वेश्चन आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे। नंबर 5 पे दोस्तों जो सबसे यूनिक चीज आपको कहीं भी नहीं, हमने यूनिट में से सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी अलग किए हुए हैं। जैसे कि रिसर्च में हम बात करें टाइप ऑफ रिसर्च, टाइप ऑफ हाइपोथेसिस, टाइप ऑफ सैंपलिंग, इस तरह से हम बात करें टीचिंग में टाइप ऑफ टीचिंग मेथड, मॉडल ऑफ टीचिंग, इस तरह से सभी यूनिट के सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको अलग किए हुए मिलेंगे। नंबर 6 पे दोस्तों आपको मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चंस के बारे में बताया जाएगा, इनके नोट्स दिए जाएंगे, इनकी वीडियोस आपको मिलेगी, प्लस में आपको लाइव मॉक टेस्ट भी मिलेगा इनका। नंबर 7 पे दोस्तों आपको मैथ और DI के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए मिलेंगे नोट्स के अंदर। इस दौरान दोस्तों वीडियोस आपको लाइव प्लस में रिकॉर्डेड मिलेगी, जो दोस्तों लाइव क्लास लेना चाहता है वो लाइव ले सकता है और जो रिकॉर्डेड देखना चाहता है वो रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकता है। इस दौरान आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप 500 से लेकर 1000 रुपए में इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और समय समय पर ऑफर चेंज होता रहता है, तो आप नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों परिकल्पना या फिर हाइपोथीसिस क्या है, इसको हम सिंपल भाषा में समझते हैं। देखिए परिकल्पना, परिकल्पना का मतलब है परिकल्पना, इसको दो भागों में हम डिवाइड करें तो प्री प्लस कल्पना। कल्पना क्या होता है, किसी चीज़ की कल्पना करना, अजप्शन करना, भाई आगे ये काम ऐसे होने वाला है, हम इस काम को ऐसे करेंगे। और अभी आप दोस्त तैयारी कर रहे तो हमारी कल्पना क्या है, हमारा UGCNET और GRF क्लियर हो जाएगा, है ना, और ज़रूर होगा आप दोस्तों का देखना। तो कोई भी हम काम करते तो उसकी कल्पना करते हैं पहले, वो ये काम हमारा ऐसा होने वाला है, तभी हम उसके अकॉर्डिंग ही चीजें चलती हैं हमारी, तो इसको हम कहते हैं हाइपोथीसिस कहते हैं। परि का अर्थ चारों ओर तथा कल्पना का अर्थ है चिंतन करना, चारों ओर से हम चिंतन करते हैं, ये चीज़ हम इस तरीके से करेंगे, ऐसे होगी, इसका रिजल्ट ये आएगा। और जब हमारा काम हो जाता है तो जो हमने कल्पना की हुई होती है परिकल्पना, उसके साथ मैच करके देखते हैं हम। देखते ना एग्जाम देते रहे, एग्जाम के बाद जब हमारा रिजल्ट आता है तो उसमें देखते भाई यार अब की बार नेट हो गया अपना, लेकिन हमने सोचा था यार GRF हो जाए, GRF नहीं हुआ, नेट हो गया, तो क्या कि अब की बार थोड़ी और मेहनत करने की आवश्यकता है, हमारे अंदर कहाँ पे कमी रह गई है वो हम कमी देखते हैं। तो ये चीज़ें हमें कब पता चलती है, जब हम पहले परिकल्पना करते हैं, पहले हम एक गोल डिसाइड करते हैं हमें वहाँ तक जाना है, तो इसलिए इसको लिया जाता है परिकल्पना। और इसके अंदर ये क्या है दोस्तों, परिकल्पना की अगर हम परिभाषा देखें तो आप परिभाषा यहाँ पे देख सकते हैं, डेफिनेशन। हालांकि डेफिनेशन से रिलेटेड आज तक एक भी क्वेश्चन नहीं आया, तो इसमें हमें ज़्यादा देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप देखना चाहिए तो एक देख सकते हैं, कर्लिंगर की जो डेफिनेशन है, परिकल्पना को दो या दो से अधिक चरों के मध्य संबंध का कथन मानते हैं। दो या दो से अधिक ज़्यादा वेरिएबल है उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है वो हम समझने का प्रयास करते हैं और उन्हीं के बारे में हम कल्पना करते हुए इन दोनों के बीच में आगे आने वाले समय में ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है, तो ये चीज़ इसमें होती है। और हमने जो है हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल से रिलेटेड क्लास की है, रिसर्च की आपको कंप्लीट क्लास मिलेगी दोस्तों, आप प्लेलिस्ट में जाके देखना, वहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों परिकल्पना के प्रकार कितने, टाइप ऑफ हाइपोथीसिस। तो हाइपोथीसिस में सभी हम टाइप देखेंगे, सबसे पहली हाइपोथीसिस है साधारण परिकल्पना, फिर जिसको सिंपल हाइपोथीसिस बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, साधारण परिकल्पना से तात्पर्य उस परिकल्पना से है जिसमें चरों की संख्या मात्र दो होती है,
इन्हीं दो स्वरों के बीच के संबंध का अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या होता है कि दो परिकल्पना होते हैं, सिंपल सिंपल जैसे नाम से पता चला है, ये बहुत ही साधारण परिकल्पना होती है, सिंपली वे में इसको हम समझ सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होता, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती, ज़्यादा उलझनबाजी नहीं होती इसमें। जैसे उदाहरण के लिए बच्चों के सीखने में पुरस्कार का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ये देखो बिल्कुल सिंपल है, इस चीज़ को हम बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हैं। भाई बच्चे को जब हम पुरस्कार देंगे, जब बच्चा अच्छा पढ़ रहा है उसको जब मोटिवेट करेंगे, उसको कुछ इनाम देंगे तो बच्चा ज़्यादा अच्छे से पढ़ेगा, ये सभी यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल हाइपोथीसिस है। अब क्लास के अंदर या कोई भी काम कर रहे हैं, कहीं पे भी खेत में काम कर रहे हैं, बच्चे से काम करवा रहे हैं, खेत में सारा दिन बच्चा काम कर रहा है, शाम को उसको 50 रुपये देंगे ना तो बड़ा कूद के अगले दिन वो काम करेगा, तो पुरस्कार देना सकारात्मकता का एक सिंबल है। तो ये चीज़ है दोस्तों हमारे सिंपल परिकल्पना में, जो बिल्कुल सिंपल होती है। आगे हमारी जटिल परिकल्पना या कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस, जैसे नाम से ही पता चल रहा है ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है, एक दूसरे के साथ उलझी हुई होती है ये चीज़ें। जैसे जटिल परिकल्पना से तात्पर्य उस परिकल्पना से जिसमें दो या दो से अधिक चरों के बीच आपसी संबंध का अध्ययन किया जाता है। जैसे आइसक्रीम खाने से बच्चा बीमार हो जाता है और स्कूल नहीं जा पाता, यहाँ पे दो परिकल्पना होगी ना, आइसक्रीम खाने से बच्चा बीमार हो जाता है और स्कूल नहीं जा पाता। अब इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी कैसे है, कॉम्प्लेक्स कैसे है, ये देखो, आइसक्रीम खाने से बच्चा बीमार हो जाता है, सबसे पहली बात तो यही है कि आइसक्रीम खाने से बच्चा बीमार हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, और बच्चा स्कूल नहीं जा पाता ये भी बात मतलब कॉन्ट्रोवर्शियल है कि हम कह सकते कोई ज़रूरी थोड़ी ना है, कई बच्चे देखें जो आइसक्रीम खाएंगे बीमार हो जाएंगे लेकिन फिर भी स्कूल जाएंगे, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, और स्कूल ना जाने के और भी कई रीज़न हो सकते हैं। तो ये जो परिकल्पना, ये हमारी उलझी हुई परिकल्पना है। आगे हम बात करें यूनिवर्सल परिकल्पना, यूनिवर्सल जिसको सार्वभौमिक परिकल्पना कहते हैं, ये पूरे वर्ल्ड में हर जगह पे इसको मतलब एक्सेप्ट किया जाता है। जैसे इसका उदाहरण हम देखते हैं, देखो ऐसी परिकल्पना जो हर क्षेत्र और समय में समान रूप से व्यापक लागू होती है, तो उसको हम यूनिवर्सल हाइपोथेसिस कहते हैं। चाहे हम इंग्लैंड चले जाएं, पाकिस्तान चले जाएं, हरियाणा में आए, दिल्ली में चले जाएं, कहीं पे भी चले जाएं, वो हर जगह एक जैसी लागू होगी। उदाहरण के लिए पुरस्कार देने से सीखने की प्रवृत्ति में तेजी आती है, ये देखो ये चीज़ें होगी ना, हम किसी को अगर इनाम देंगे तो वो क्या है कि सीखने की प्रक्रिया में उसमें तेजी आ जाएगी। वो अभी हमने बात की थी ना, बच्चे को अगर हम पैसे देंगे 50 रुपये देंगे तो वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट होगा और फिर वो ज़्यादा पढ़ेगा। तो ये जो चीज़ है ना, ये यूनिवर्सल हाइपोथेसिस है। आप चाहे इंग्लैंड में चले जाओ, चाहे जिम्बाब्वे में चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, लैंग्वेज चाहे वो कैसी भी बोलते हो तो, लेकिन उनके अंदर अगर ऐसा हम करेंगे, पुरस्कार देंगे तो वो ज़्यादा सीखेंगे, तो इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल हाइपोथेसिस, जो कहीं भी कभी भी गलत नहीं होती। आगे हम बात करते हैं एग्जिस्टिंग हाइपोथेसिस है। इस प्रकार की परिकल्पना यदि सभी व्यक्तियों या परिस्थितियों के लिए नहीं तो कम से कम एक व्यक्ति या परिस्थिति के लिए निश्चित रूप से सही होती है। एग्जिस्टिंग हाइपोथेसिस का मतलब ये है, ये एक ऐसी परिकल्पना होती है जो हम मान सकते हैं सभी पे तो लागू नहीं होती लेकिन कम से कम एक व्यक्ति पे वो लागू होगी ही होगी, ठीक है। तो इसका हम उदाहरण देखते हैं, देखो जैसे सीखने की प्रक्रिया में कक्षा में कम से कम एक बालक ऐसा है पुरस्कार की बजाय दंड देने से सीखता है ना। और देखो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम हर किसी को पुरस्कार देंगे तो वो बच्चा सीखेगा ही सीखेगा। क्लास में कई बच्चे ऐसे देखे ना, हमने देखे ना, जिसकी कुटाई करेंगे तभी वो सीखेंगे, उनको कितना ही इनाम दे लो, कुछ भी कर लो, वो ढीठ बच्चे होते, वो नहीं सीखते, तो उनको क्या है कि उनकी कुटाई करनी पड़ती है, उनको दंड देना पड़ता है। क्लास में एक दो बच्चे ऐसे होते हैं ना, तो ये चीज़ है। तो ये जो देखो दंड देने से भी बच्चा सीखता है, ये सभी पे लागू नहीं होती लेकिन कुछ बच्चों पे ये चीज़ लागू हो सकती है, ये परिकल्पना हमारी लागू हो सकती है, तो इसको हम बोलेंगे एग्जिस्टिंग हाइपोथेसिस, है ना। आप में से किस किस की कुटाई हुई है बताना भाई, मेरे को तो 6वीं 7वीं क्लास में 8वीं क्लास में कुटाई हुई है स्कूल में, तो बताना कौन कौन मुर्गा बनाए, कमेंट बॉक्स में देखूंगा मैं ये हाइपोथेसिस किस पे लगी है। आगे हमारे दोस्तों नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ये काफ़ी ज़रूरी है दोस्तों, इसमें से क्वेश्चन आ चुके हैं हमारे एग्जाम में, और इसके बारे में सबसे पहले आर ए फीसर ने बताया था।
देखिए, शून्य परिकल्पना जिसको हम नल हाइपोथेसिस बोलते हैं, तो ये कैसी होती है इसमें हम देखते हैं। शून्य परिकल्पना शोध परिकल्पना के ठीक विपरीत होती है, ठीक है। इस परिकल्पना के माध्यम से हम चरों के बीच कोई अंतर नहीं होने के संबंध का उल्लेख करते हैं। अब ये शून्य परिकल्पना, नल हाइपोथेसिस, नल का मतलब होता है मतलब कुछ भी नहीं, इसमें जो हमारे चर होते हैं उनके बीच में कोई संबंध नहीं होता, उसको हम निग्लेक्ट करते हैं। जैसे देखिए, उदाहरण स्वरूप उपरोक्त परिकल्पना को नल हाइपोथेसिस के रूप में ऐसे लिखा जाता है, विज्ञान वर्ग के छात्रों की उपलब्धि तथा कला वर्ग के छात्रों की उपलब्धि में कोई अंतर नहीं है। अब देखिए, हम मानते हैं कि जो साइंस के स्टूडेंट है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, आर्ट के स्टूडेंट है वो कम इंटेलिजेंट होते हैं। तो हमने क्या किया, एक टेस्ट ऑर्गेनाइज कर लिया, उसमें दो बच्चे साइंस के ले लिए, दो बच्चे हमने आर्ट के ले लिए, उनका कंपटीशन करवाया। तो हमने देखा कि दोनों ही बच्चों के अंदर जो नंबर है, नंबर दोनों के इक्वल आए, साइंस वाले के भी और आर्ट वाले के भी नंबर बिल्कुल सेम आए, तो उनके अंदर कोई डिफरेंस नहीं हुआ, इक्वल हुए, दोनों बराबर हुए। तो वो क्या होगी, हमारी नल हाइपोथेसिस यानी कि शून्य परिकल्पना होगी। हमारी परिकल्पना क्या थी पहले, भाई इन दोनों के अंदर डिफरेंस होगा, ठीक है, दोनों के अंदर जो नंबर है वो कम ज़्यादा आएंगे, साइंस वाले के ज़्यादा आएंगे, आर्ट वाले के कम आएंगे। लेकिन जब हमने उसको टेस्ट करके देखा तो वो नल हाइपोथेसिस निकली, यानी कि दोनों के अंदर कोई डिफरेंस देखने को हमें नहीं मिला, तो वो होगी हमारी नल हाइपोथेसिस हो जाएगी। और इसको एच जीरो से इस तरह से डिनोट करते हैं। उसके बाद में वैकल्पिक परिकल्पना जिसको एच वन या एच अल्फा से भी डिनोट करते हैं। अब देखो, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस शून्य परिकल्पना के विपरीत होती है, ये जो परिकल्पना है पहले ऊपर जो हमने परिकल्पना की है उससे विपरीत होती है। जैसे ऊपर के उदाहरण को देखते हैं, इंटरव्यू लेने से हमें पता चला कि विज्ञान वर्ग के छात्रों की उपलब्धि तथा कला वर्ग के छात्रों की उपलब्धि में काफ़ी अंतर है। अब देखिए, हमने टेस्ट लिया, टेस्ट में तो क्या है, दोनों के नंबर इक्वल आए। अब हमने कहा कि नहीं यार, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। हमने कहा भाई यार चलो, अब की बार ऐसा करते हैं, हम ना इनका इंटरव्यू लेके देखते हैं इन बच्चों का। तो हमने क्या किया कि इंटरव्यू लिया, इंटरव्यू में हमें पता चला कि विज्ञान वर्ग साइंस के जो स्टूडेंट है उनको ज़्यादा नॉलेज थी, और जो आर्ट के स्टूडेंट है उनको थोड़ी सी कम नॉलेज थी, इंटरव्यू में हमें पता चला। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारी जो हाइपोथीसिस है वो अल्टरनेटिव हाइपोथीसिस यानी कि एक अलग से हाइपोथीसिस हमारी आ गई, अलग से परिकल्पना हमने यहाँ पे देख ली। तो ये चीज़ें होती है दोस्तों, हमने पहले देखा कि दोनों के बीच में अंतर होता है, ठीक है, साइंस के आर्ट के स्टूडेंट में। हमने जब टेस्ट लिया तो कोई अंतर नहीं मिला, कोई अंतर नहीं मिला तो वो होगी नल हाइपोथीसिस। जब हमने इंटरव्यू लिया तो उनमें डिफरेंस देखने को मिला, तो वो होगी हमारी अल्टरनेटिव हाइपोथीसिस हो गई। तो ये चीज़ होती है दोस्तों इसके अंदर। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों स्टेटिकल हाइपोथीसिस। जब शोध परिकल्पना या शून्य परिकल्पना का सांख्यिकी पदों में व्यक्त किया जाता है तो इस प्रकार की परिकल्पना सांख्यिकी परिकल्पना कहलाती है, यानी कि ऐसी कोई परिकल्पना जिसमें हम आंकड़ों की बात करें। जैसे मान के चले भाई, एक बंदा है जो 400 मीटर की रेस हम मान के चलते हैं, ये 400 मीटर की रेट हमें उम्मीद है 400 मीटर की ये रेस 5 मिनट में लगा लेगा, ठीक है। इस तरह से क्या है कि हमने आंकड़ों से व्यक्त कर दिया, रेस कितनी है 400 मीटर की, कितने मिनट में लगाया 5 मिनट में। तो इस तरह से जहाँ पे आंकड़ों का उपयोग हो, संख्या का उपयोग हो, वहाँ पे हम स्टैटिकल हाइपोथेसिस बोलेंगे उसको, ठीक है। और उसके बाद में दोस्तों एरर इन रिसर्च, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हमारे एग्जाम में आ चुका है। अब देखिए, इसको मैं काफ़ी अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा, और उसके बाद में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आए वो सभी क्वेश्चन हम करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हमारा टाइप वन एरर, जिसको हम अल्फा एरर भी बोलते हैं। अब देखिए, इन दिस रिसर्च इफ द प्रोडक्ट इज एक्चुअली गुड क्वालिटी बट रिसर्च डेटा शो दिस बैड क्वालिटी, देन वी से इट टाइप वन एरर। देखिए, कोई प्रोडक्ट अच्छा है और उसको रिसर्च में गलत साबित कर दिया जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, टाइप वन एरर उसको हम बोलेंगे। यानी कि एक अच्छे प्रोडक्ट को रिसर्च में खराब क्वालिटी का बता दिया जाए तो उसको टाइप टू एरर बोलेंगे। अब इसका एक एग्जांपल देता हूँ, मिल्क पीना, दूध पीना सभी के लिए फायदेमंद है, हमारा ये सोचना है भाई दूध पीना स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, दूध हमें डेली पीना चाहिए, ये हम कहते ये क्या है, अच्छी क्वालिटी, अच्छा मानते हम इसको, ठीक है, अच्छा मानते हैं।
लेकिन जब हम डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने क्या किया कि हमारे चेकअप की, उसने रिसर्च की भाई कितने दिन दूध पीता है। हमने कहा भाई हम तो डेली पीते हैं, सुबह से हम दूध पीते हैं, अच्छा घी खाते हैं, सारी चीज़ करते हैं। तो डॉक्टर ने क्या कहा, भाई तुम्हें जो हार्ट अटैक आया ना वो दूध की वजह से आया है, दूध अपना कम कर दो। दूध क्या कि फैट बढ़ा रहा आपके शरीर के अंदर, तो आज से तुम्हें दूध दही मक्खन ये नहीं खाना, ये आज से तुम्हारा बंद हो गया। तो एज पर अकॉर्डिंग टू डॉक्टर इसको बैड क्वालिटी का बताया गया, ये जो है गलत है, ये चीज तुम्हें नहीं करनी चाहिए, ये तुम्हारे शरीर के लिए हानिकारक है। तो जहां पे हम अच्छी क्वालिटी की चीज को हम बैड बताए, उसको हम गलत साबित कर दे, अच्छी चीज को गलत साबित कर दे, तो वहां पे क्या होगा हमारा, वहां पे उसको हम टाइप वन एरर बोलेंगे या फिर अल्फा एरर उसको हम बोलेंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई इसमें। और इसमें एक और जो चीज है, टाइप वन एरर हैपन वन रिजेक्ट ए ट्रू नल हाइपोथीसिस। जब हम ट्रू नल हाइपोथीसिस को रिजेक्ट कर देते हैं तो वहां पे हमारा टाइप वन एरर होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगला टाइप टू एरर। टाइप टू एरर ये इसके उलट है, यानी कि इन दिस रिसर्च इफ द प्रोडक्ट इज एक्चुअली बैड क्वालिटी बट रिसर्च डेटा शो दिस गुड क्वालिटी, देन वी से टाइप सेकेंड एरर, टाइप टू एरर। जब कोई बैड क्वालिटी का प्रोडक्ट है और उसको हम मतलब गलत मानते हैं हमारी थिंकिंग में, और रिसर्च उसको बोले कि नहीं ये तो सही है, ये चीज करनी चाहिए, तो उसको हम टाइप टू एरर बोलेंगे। अब इसका उदाहरण मैं आपको देता हूं। अब देखिए कई बार क्या है, अफीम खाना, स्नैक लेना, नशा करना गलत बात है ना, अफीम खाना गलत चीज है, दारू पीना, शराब पीना, ये सारी चीजें गलत चीज है, ये हमें नहीं करनी चाहिए, हमें ऐसे बताया जाता है। लेकिन क्या होता है कि आपने गांव मोहल्ले में देहात में सुना होगा कि अगर किसी को हार्ट अटैक आ जाए, ठीक है, या फिर वो क्या कहते हैं उसको कि लकवा आ जाए, तो उसको थोड़ी सी अफीम खिला दो, इस तरीके से बोलते हैं। और कई बार डॉक्टर भी हमें बोलता है कि जैसे शराब है ना, दारू पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन डॉक्टर कहेंगे कि अगर इसको सही तरीके से लिया जाए, साल 6 महीने में एज ए दवाई के रूप में इसको लिया जाए, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसको हमें लेना चाहिए। डॉक्टर रिसर्च बोलते हैं दारू पीना सही है, बट हमारे समाज में वो गलत है, उसको गलत नजरिए से देखा जाता है। अब यहाँ पे क्या है, दारू गलत चीज है, ठीक है, गलत है, लेकिन रिसर्च में इसको सही बताया गया, डॉक्टर ने इसको सही बता दिया, भाई देखो भैया ऐसा है कि तुम खांसी होती है तो खांसी में भी तो अल्कोहल की मात्रा होती है, खांसी की जो दवाई होती है वो ले तो अल्कोहल मिला होता है उसमें, तब भी तो तुम लेते हो, है ना। तो ये कहते भाई देख, जो चीज़ अगर आप सही तरीके से लोगे, सही क्वांटिटी में लोगे, तो वो हानिकारक नहीं है, वो सही साबित होती है आपके लिए। तो इसमें जब हम गलत चीज़ को सही साबित करें अपनी रिसर्च में, तो इसको हम बोलेंगे टाइप टू एरर, इसको हम बोलेंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो अभी हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करें भाई, आर यू रेडी? तो चलिए दोस्तों, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन हम देखते हैं। ये देखिए, ये इसके अंदर क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें एक क्वेश्चन दिखाता हूँ। हाइपोथीसिस परिकल्पना क्या है? इज सर्टेन एंड एस्टेब्लिश फाइंडिंग, एक निश्चित एवं स्थापित निष्कर्ष, ये तो नहीं होगा, ठीक है, जो निष्कर्ष हमने स्थापित ही कर दिया, निकाल दिया, वो तो नहीं होगा, ये तो गलत होगी। इसके अंदर ए पार्ट ऑफ द रिसर्च क्वेश्चन, शोध पत्र का एक भाग, नहीं ये भी नहीं होगा। स्ट्रेटेजी ऑफ इवेल्युएशन डेटा, ये भी नहीं होगा। ये देखो, ए टेंटेटिव स्टेटमेंट प्रोवाइडिंग एन एक्सप्लेनेशन, व्याख्या प्रदान करने वाला एक अंतिम कथन, एक टेंटेटिव। टेंटेटिव क्या होता है? टेंटेटिव होता है संभावित, संभावित परिणाम किसी चीज़ का, संभावित कोई चीज़ हम सोच ले भाई इसकी संभावना ये है, ये चीज़ ऐसे होने वाली है, वैसे होने वाली है, तो हाइपोथीसिस का मतलब ये होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है दोस्तों हमारा, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, ए रिसर्चर फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथीसिस एंड हिज हर रिसर्च विद इम्प्लीकेशन विल इट कैरी फॉर हिज हर प्रिंसिपल रिसर्च हाइपोथीसिस। अब देखिए इसके अंदर क्या होगा, देखो एक शोधकर्ता अपने शोध में शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करने में विफल रहता है, उसकी मूल शोध परिकल्पना के लिए क्या निहितार्थ होगी? तो इसका राइट आंसर क्या है, शोध परिकल्पना को अस्वीकार कर लिया जाएगा।
देखो इसके अंदर क्या है कि एक शोधकर्ता अपने शोध में शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करने में विफल रहता है। तो इसका उत्तर क्या हुआ दोस्तों, सीधी सी बात है, इसका शोध परिकल्पना को अस्वीकार कर लिया जाएगा। ये चीज हमने ऊपर पढ़ी है, ठीक है। और उसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों, जो हमारी हाइपोथेसिस शुड बी कॉन्सेप्चुअली, हाइपोथेसिस हमारी कैसी होनी चाहिए, जो भी हमारी परिकल्पना वो कैसी होनी चाहिए। ये देखो, सिंपल होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए और स्पेसिफिक होनी चाहिए। हम जो हाइपोथेसिस बना रहे हैं वो सरल, स्पष्ट और विशिष्ट होनी चाहिए। ऐसी परिकल्पना ना हो कि जो जटिल हो, किसी को समझ में ना आए, जहाँ पे जटिल हो तो नहीं होगा, ठीक है। अस्पष्ट, पेचीदा नहीं होनी चाहिए, सरल, स्पष्ट और विशिष्ट हमारी हाइपोथेसिस होनी चाहिए। तो ये इसका राइट आंसर होगा। और उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों, ये देखिए, ये देखो ए टेंटेटिव प्रेपोजिशन, ये देखो ए टेंटेटिव प्रेपोजिशन विच अननोन वैलिडिटी दैट स्पेसिफाई ए रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल। ये देखो, एक अस्थायी प्रतिस्मी जिसकी वैधता अज्ञात है तथा जिसमें दो या दो से अधिक चरों के मध्य संबंध उपकल्पित होता है, यानी कि दो या दो से अधिक चरों के बीच में कोई हम टेंटेटिव संभावना लगाते हैं, कोई संभावना करते हुए इसमें ये हो सकता है, वो हो सकता है, ऐसा हो सकता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम रिसर्च हाइपोथेसिस बोलेंगे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं, भाई बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये टॉपिक समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में दो बार आ चुका है। ये देखो, हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ विच टाइप ऑफ रिसर्च। हाइपोथेसिस टेस्टिंग सबसे ज्यादा कौन सी रिसर्च में की जाती है। ये देखो, ये होता है हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर। अब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होता है, जिसमें हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं एक चीज का दूसरी चीज पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। उसमें सबसे पहले हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, उसके बाद में उसको टेस्ट करके देखते हैं जी। तो आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको स्टडी नोट्स चाहिए, ये क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो दोस्तों आप ले सकते हैं, हमारी ऐप डाउनलोड कर लेना दोस्तों, निमिजी नेट हमारी ऐप है, उस ऐप में आपको ये स्टडी नोट्स और क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, या फिर आप हमारी वेबसाइट nimiji.net ये भी विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पेपर वन और पेपर टू दोनों के स्टडी नोट्स, क्वेश्चन पेपर सब कुछ मिलेगा। तो आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय। दोस्तों एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम देखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल पेड कोर्स लॉन्च किया है, कंप्लीट स्टडी कोर्स फॉर पेपर फर्स्ट। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है, नंबर एक पे दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स मिलेंगे हिंदी इंग्लिश में, नंबर दो पे दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट की एड फ्री वीडियोज मिलेंगी, नंबर तीन पे दोस्तों आपको सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में मिलेंगे, नंबर चार पे दोस्तों आपको 2012 से लेकर 2023 तक जो भी हमारे क्वेश्चन आए हैं वो यूनिट वाइज किए हुए मिलेंगे। जैसे कि हमारे रिसर्च के क्वेश्चन आज तक जो आज के वो अलग है, आईसीटी के अलग है, कम्युनिकेशन के अलग है, सभी यूनिट के क्वेश्चन आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे। नंबर पांच पे दोस्तों जो सबसे यूनिक चीज आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, हमने यूनिट में से सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी अलग किए हुए हैं। जैसे कि रिसर्च में हम बात करें टाइप ऑफ रिसर्च, टाइप ऑफ हाइपोथेसिस, टाइप ऑफ सैंपलिंग, इस तरह से हम बात करें टीचिंग में टाइप ऑफ टीचिंग, मेथड, मॉडल ऑफ टीचिंग, इस तरह से सभी यूनिट के सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको अलग किए हुए मिलेंगे। नंबर छह पे दोस्तों आपको मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चंस के बारे में बताया जाएगा, इनके नोट्स दिए जाएंगे, इनकी वीडियोस आपको मिलेगी, प्लस में आपको लाइव मॉक टेस्ट भी मिलेगा इनका। नंबर सात पे दोस्तों आपको मैथ और डीआई के क्वेश्चन सोल्व किए हुए मिलेंगे नोट्स के अंदर। इस दौरान दोस्तों वीडियोस आपको लाइव प्लस में रिकॉर्डेड मिलेगी, जो दोस्तों लाइव क्लास लेना चाहता है वो लाइव ले सकता है, और जो रिकॉर्डेड देखना चाहता है वो रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकता है। दौरान आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप 500 से लेकर 1000 रुपए में इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और समय समय पर ऑफर चेंज होता रहता है, तो आप नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।